नमस्कार दोस्तों, आज हम बैठे हैं आसूत्रा गांव से थोड़ा आगे और यहां पर वैसे प्रसिद्ध जो है वो काली कंबल के बाबा जी के नाम से प्रसिद्ध है, लेकिन आज हम एक नया नाम भी कह देते हैं कि ये लोहड़ी वाले बाबा जी है, क्योंकि लोहड़ी का ही ये कमाल है कि यहाँ पर हजारों लोग अपनी मनोकामनाएं लेके यहाँ पर पहुंचते हैं, कई समस्याओं को लेकर पहुंचते हैं, कई तरीके की बीमारियों को लेकर यहाँ पर पहुंचते हैं, और यहाँ पहुंचने के बाद में इस लोहड़ी का कमाल है, बाबजी का कमाल है कि वो ठीक होकर जाते हैं। हमारे साथ में बाबजी है, इनसे बातचीत भी करेंगे और किस तरीके के लोग यहाँ पर आते हैं और आपने अब तक कितने साल हो गए इस तरीके से, कितने लोग ठीक हो चुके हैं। बाबजी पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत और आपको प्रणाम करता हूँ। यहाँ पर हजारों लोग यहाँ पर पहुंचते हैं, किस तरीके की समस्याओं को लेकर यहाँ पर पहुंचते हैं? यहाँ लकवा वाले, पोलियो वाले, कैंसर वाले, शुगर वाले, हर तरह का शरीर के अंदर जो बीमारी हो सकती है। अच्छा, तो ठीक होने का जो रेशो वो अमूमन ये है कि कोई 5 फेरी में होता है, क्या इसका क्या मतलब? उसमें एक सीपी नाम की बीमारी है, तो सीपी नाम की बीमारी में ज़्यादा टाइम लगता है, मस्कुलर डिस्ट्रोफी है उसको ज़्यादा टाइम लगता है, ऐसे जो बड़ी बड़ी बीमारियाँ हैं तो नाइलाज आज तक भारत सरकार के पास के साइंस के पास उसकी कोई दवाई भी नहीं, ऐसी बीमारियों को यहाँ कम से कम 5 बार आना पड़ता है, मतलब 25 दिन तक। अच्छा, सबसे बड़ी बात ये कि ऐसे भी कई हम लोगों ने घूम घूम के इस पूरे कैंप के अंदर लोगों से जो चर्चा है करी, बातचीत करी, उसमें से कई ऐसे लोग भी सामने आए, उनका एक पहली बार आए वो ठीक हो गए और हमने इस चीज़ों को प्रत्यक्ष देखा भी कि आपने इस लोहड़ी को डाला और लोहड़ी से वो उड़ गया, क्योंकि वो जिंदगी में जो बच्चा था कभी उठ नहीं पाया, तो इसका करामत क्या है, ये चमत्कार क्या है, साइंस है या फिर साइंस मानते हैं? जहाँ से तुम्हारा साइंस पूरा होता है वहीं से हमारा आध्यात्मिकता चालू होता है। तो यही कम्बल है, ये कम्बल मैं किसी पे डाल दूँ उसको मैं सेकंडों में खड़ा था, मिनट की बात भाई, माता जी खड़ा करती, माता जी चलाती, माता जी रोकती, मैं तो खाली माध्यम हूँ। अच्छा बाप जी, सबसे पहले बड़ी कई चीज़ें ऐसी निकलती भी आपकी दिशा में कि क्या बाप जी ने अपने आप में कोई इस तरीके की सिद्धियाँ हासिल कर रखी है? नहीं, मैंने कोई या सिर्फ माता जी का आशीर्वाद है और माता जी आपको जो आदेश देती है वो उस आदेश से वो आगे काम होता है? मेरे में कोई सिद्धि नहीं है, मैं एक सामान्य आदमी, जो कुछ है ये सब यही है, माता जी का आशीर्वाद बोलो, ये माता जी खुद बोलो, यही कमल में पूरा पावर, मेरे में कोई कमल। अच्छा, आपने कई बार इस तरीके कमल जो है आम आदमी के हाथों में भी दिया होगा और उस कमल से कुछ मतलब रिएक्शन हुआ होगा, ऐसा भी कभी घटना है? पत्रकार आता है तो मेरे को बोलता है बाबा जी, मैं बोलता हूँ कमल उड़ा के खड़ा कर दो, बाबा जी हम ये पता हम कमल उड़ा के देखते, तो बहुत पत्रकार आए, ये मेरे को बोलते बाबा जी हम आप बैठो हम जाके लकवा वाले को उड़ा देते और खड़ा करते, हाँ मैं दे देता हूँ, क्योंकि मेरे में कोई शक्ति नहीं, शक्ति तो इसमें तुम अभी तुम लेके जाओगे तो तुम हमें भी आदमी खड़ा कर दोगे, ये लेके जाएगा ये भी खड़ा कर सके, मेरे में कोई ताकत नहीं, माता जी की लोबड़ी में ताकत है, ये जो इसी में पाऊ। अरे बाबा जी, सबसे एक इंटरेस्टिंग चीज ये है कि ये कंबल वाले बाबा जी नाम से प्रसिद्ध कैसे हो गए? ये लोगों को ये 9 लाख लोबड़िया की लोबड़ी, फिर इसके यहाँ के पैसे में लोग कमल वाले बाबा बोलते हैं, मेरा नाम तो गणेश है, लोग मुझे कमल वाले बाबा नाम से पहचान करते हैं, इसकी वजह से मैं सिर्फ कमल बनाता हूँ, एक घंटे पे रखता हूँ हो गया मैं कमल वाले बाबा। अच्छा, दूसरा सबसे बड़ी बात बाबा, अगर अपन बातचीत करें तो आपके जीवन में ये पहली कैसे मतलब आपको लगा या आपके परिवार को लगा होगा, कैसे लगा होगा? कुछ नहीं, पहले तो ये मेरे परिवार ये लग गया, ये बोलते थे किसको कुछ लग गया है, मैं ऐसे बातें करता था कि मैं किसको भी हाथ लगाऊं ठीक कर दूंगा, ये करो ये करो, तो लोग मुझे पागल जैसे समझते थे, और पागल की बात तो छोड़ो, लोग ये समझते थे कि इसको कोई बाहर का वो जादू टोना करवा दिया है उसकी वजह से सक्सेस नहीं, पर धीरे धीरे मैं जब लकवा वाले को उस टाइम भी देखने लग गया, हाथ पकड़ के देखने लग गए, लकवा वाले चलने लगे, बाद में ये सब लोग मानने लगे, तो पहले मेरे गाँव के मेरे परिवार बोले थे इसको कोई बाहर का गुड़ लग गया है। पहला इस तरीके का जो आपने हालांकि आप क्या लोहड़ी की जो पहला चमत्कार हुआ वो क्या हुआ उसका थोड़ा बताओ? वो मेरा दोस्त के पिताजी का था, 6 महीने का टाइम था, कुछ टाइम मैंने हाथ मरोड़ दिया, वो लपोटी खेलते खेलते हाथ मरोड़ दिया और उसको मैंने चला के फेंक दिया,
तब से बाबा बन गया, तब से मतलब ये बाबा। अच्छा दूसरा सबसे बड़ी बात, एक आदमी हमारे गांव का चलने लग गया, इसने दूसरे गांव में बताया, तीसरे गांव में बताया, ऐसा करते करते तो मेरे घर पे ठीक लग, मेरे घर पे आदमी आने लग गए। अच्छा अब जो आप लोग, हालांकि मैं इसके बाद में आपको एक सवाल पूछूंगा, लेकिन ये जो हजारों लोग यहाँ पर एकत्रित होते हैं, इसकी मैनेजमेंट और आपका कैसे शेड्यूल तय होता है? कोई मैनेजमेंट, कोई शेड्यूल नहीं, मेरे पास दो चार नंबर है, मैं तो फोन उठाता नहीं, मैंने दो चार आदमी रख लिया है, पूरा काम मतलब दे दिया, एक एक सिम दे दिया है और लोकेशन डाल दिए, कभी फोन उठाते कभी नहीं उठाते, मोड़ में आए उठाते नहीं उठाते, लोकेशन देने की जरूरत क्या है? तुम्हारे गांव का एक आदमी कोई यहाँ लकवा वाले को लेके आए, कोई ठीक करके गए, वो दस गाँव में जाके मेरी जायदाद करेगी, देखो ये मैं चल के आया, देखो मैं चल के आया, ये मेरा यहाँ कहीं तुम्हारा मेरा बैनर भी नहीं दिखेगा, मेरा बोर्ड भी नहीं दिखेगा, यहाँ कोई चीज़ तुम्हारे को दिखेगी। अच्छा दूसरा सबसे बड़ी बात की आपके पिताजी जिस देवी को पूजते थे, जिस देवी की सत्या आपके पास में है, वो देवी का कुछ करेंगे यहाँ पर कि भी कौन सी देवी को आप पूजते, किस देवी का ये चमत्कार? हमारे मेरे गांव में चारण समाज के एक माता जी आए हुए थे, इसको कोई नहीं मानते थे, और वहाँ मेरे पिताजी वहाँ गाय चराते थे और मैं वहाँ जाता था, तो एक बुढ़ी माँ मेरे को बुलाती थी, पहले ये किस्सा हुआ था, तो इस चारण की माता जी हमारे गांव में लोग पूछते वाई का है, हजारों साल पुरानी बात है, पता नहीं सही है किसकी माता जी, कौन माता जी अभी तक मुझे नहीं, लेकिन वो महाकाली का रूप दिखाया, तो वो मुझे प्रसन्न कोई किसने लोबड़िया दिया, तब से काम कर सकता। दूसरा सबसे बड़ी बात आपके साथ में एक चीज़ें जुड़ी हुई थी कि आपने कभी चको चांद जो है बड़ी बड़ी गाड़ियाँ, हालांकि देने के लिए लोग यू लाइनों में कतारों में खड़े रहे होंगे, क्योंकि जिनको लाखों रुपए खर्च होने के बावजूद उनका इलाज नहीं हुआ उनको आपने आकर वहाँ कर दिया, तो ऐसे लोगों की, ऐसे कार्यकर्ताओं की, ऐसे आपके भक्तों की तो लाइनें होंगी, लेकिन उसके बावजूद भी आपने आपका पहनावा रहन सहन मैंने वहाँ पर भी देखा, एक पाटा लगा करके आप बैठे, तो ये सब कैसे मैनेज कर सकते हो, क्योंकि जो पैसे दिखते हैं इंसान को, इंसान का बदलाव होना शुरू होता है, तो आप में कभी ऐसा? जिस दिन मेरा ध्यान पैसे में जाएगा और ये लोगों देते पैसे, वो पैसा देने में लग जाऊंगा, माता जी चले जाएंगे, लोगों को मैं क्या करूँ, माँ चले जाए कोई नहीं आएगा, जब तक मैं पैसे पे ध्यान में नहीं दूंगा, सुबह आया शाम को पूरा उड़ा दूंगा लोगों के पीछे, माता जी और देगी और लोगों के पीछे उड़ाता जाऊंगा, ये 40 रुपये वाला कपड़ा पहनना, ये पूरी टंगा 30 रुपये का मोजा पहनना, दो ही कपड़ा पहनना, माता जी का कपड़ा पहनना। सबसे बड़ी बात बाबा जी ऐसे कहे तो बाबा जी नाम अपने आप में जुड़ते ही गले में माला है वगैरह, इस सारी चीजों का एक अपने आप में बाबा जी नाम आते ही वर्णन आता है, लेकिन आप अगर यूं निकलो तो कभी कोई पहचान नहीं पाएगा कि बाबा जी, अपने लोगों के पास में बैठता हूँ तो भी लोग नहीं पहचानते, और ये मेरी पहचान थोड़ी है, लोग मुझे कमर वाले बाबा बोलते हैं, लेकिन मेरे में एक भी गुण नहीं है, एक भी सिद्धि नहीं है, सिद्धि पूरी यहाँ है, तो मैं क्यों उसका बोलूँ गर्व लूँ, कर रही थी माता जी कर रही है, मैं तो समझ आज भी वही जिंदगी देना चाहता हूँ। अच्छा सबसे बड़ी बात ये कि आपकी छोटी बच्ची है, बेटी है, वो भी मतलब उसको भी शक्ति है, मेरे से 10 गुना पावरफुल रखती है, मेरे को तो 5 बार बुलाना पड़ता है, वो तो सिटी वालों को 1 सेकंड में खड़ा करके भेज देती है, जो साइंस के पास उसकी इलाज भी नहीं है, और वो 16-17 सेकंड में सिटी की बीमारी को यहाँ से चला के देखती है। अच्छा तो उसका भी कैंप रखते हैं या आपके साथ में? नहीं वो अभी पढ़ाई करती है, 6-7 साल की है अभी, दूसरी भी पढ़ाई करती है, वो रविवार के दिन आती है, तो वो अगर वो रविवार के दिन आती है तो मेरे यहाँ 4 गुना भीड़ हो जाती है, पता लगता है, लेकिन उसको भी अभी पहले मैं बताता था मेरी बच्ची आने वाली तो 4 गुना भीड़ हो जाती थी, व्यवस्था पूरी बिगड़ जाती थी, तो अब तो लोगों को पता लगा रविवार आने वाली है, तो मैं रविवार के दिन नहीं बुलाता हूँ उसको, गुरुवार के दिन बुलाता हूँ, बच्ची है मेरे, एक बच्चा एक बच्ची, मेरे भी बच्चे परिवार की याद आती है। तो आप मतलब लगातार देखते हैं कि आप मेरी महीना पूरा यहाँ रखते हैं, खाना भी आप सामान्य लोगों के साथ में बैठ करके खाना खाते हैं, किसी तरीके का आपने अपने आप को अलग नहीं कर रखा पब्लिक से, कई लोग अंदर कई स्वामी भी होते होंगे तो अपने आप की कई चीज़ों को छुपा के रखते हैं, जो कुछ है ये तो ये माता जी के कमर है, मैं तो आम आदमी हूँ, ये तुम ले लो, लोग तुम्हारे को ये कमर मेरे तुम्हारी पास आ गई, तुम कमर वाले बाबा बन जाओगे, मेरे में कोई पावन नहीं, ये जिसके पास है उसके पावन।
अरे ये जो कंबल है, क्योंकि आपने बताया 32 सालों से आप काम कर रहे हैं, तो क्या इसका कोई ऐसा दिन होगा जिस जगह आप इस कंबल को चेंज करते होंगे या उस मंदिर में चेंज करते हैं, कैसे क्या होता है? वो तो दो चार साल में जब यहाँ पे फटने लग जाए, टूटने लग जाए, तब बोल दो माँ अभी फटेगी तो टूटेगी, तू चिंता मत कर, आ जाए ऑटोमेटिकली आ जाए। और वो देखने का है तो चैत्र महीना के दिन में दिखा दे, चैत्र महीना के दिन माता जी के प्राण प्रतिष्ठा है, नहीं चलूंगा। अच्छा हाँ, वो बिल्कुल आप बता रहे हैं माता जी के मंदिर का आप प्राण प्रतिष्ठा करें, तो ये मंदिर आपको जहाँ आप बच्चे थे या आप जो अपने वही जगह थे जहाँ मुझे एक टोकरी बन के माता जी बुला रही थी, वही जगह पे अभी तो इतना ही मंदिर है 36 सीट, वो मंदिर को मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ, तो मेरी पसीने की कमाई है 36 सीट, लेकिन मेरे लिए उस जमाने में पसीने की कमाई थी। 3 रुपया में मैं दाढ़ी की जाता था, 3 रुपया दाढ़ी की जाके मैंने वो पैसे इकट्ठा करके मैंने इतना मंदिर बनाया। आज तक मैं वो मंदिर हिलाऊंगा नहीं, अभी उसके बड़ा मंदिर बना रहा हूँ और उसको हिलाऊंगा नहीं, उसको ऊपर मंदिर बनेगा, लेकिन मेरा जगह तो वही रहे। मतलब आप कह रहे हो आपने 3 रुपए दिहाड़ी मजदूरी करके वो मंदिर बनाया, उसी मंदिर के पास में आप उसको बड़ा कर रहे हैं ताकि लोग आए बैठे, बैठने की जगह हो, ऐसा कर रहे हैं, तो ये चैत्र मास में करोगे तब ये कंबल चेंज होगा। कंबल चेंज होगा, मेरा ऐसा मानना है, मेरा एक मानना है कि चैत्र महीने के दिन वो कंबल ऐसा मेरा मानना है, वो माता जी की आई माता जी। अच्छा दूसरा एक आपने कुछ वर्णन बताया कि मंदिर के अंदर जो आपके गुरुदेव थे उन्होंने कुछ सिद्धि के लिए आपको कहा था या क्या कहा था, वो क्या घटना थी? वो तो सब सिद्धियाँ सिखाते थे, यंत्र ऐसा बनाने का, लेकिन वो जो बोलने से पहले मैं मंत्र बोल देता, मेरे को कुछ नहीं आता है, तो वो जो मंत्र बोलने से पहले मैं उसको मंत्र बोल देता था, गुरु जी ने मेरे को बोला तू भी जा यहाँ से, ऐसा हाथ जोड़ के मेरे को भेज दिया वापस। वो जो मंत्र मेरे को यंत्र दुनिया में ये गुरु जी बता देते कितनी ताकत है दुनिया में, यंत्र मंत्र और तंत्र, तो वो जो मेरे को पूछते थे उसका जवाब मैं पहले ही दे देता था, और मुझे न मेरे को कभी ये आध्यात्मिक से प्रदान कर, माता जी ने आज तो मेरा आध्यात्मिक से मेरा विषय आज भी गाँव जाऊंगे, समझा के कोई भी जाऊँ, मेरा गाँव का पता मेरे खुद आम लिख के रखा है, वहाँ जाए तो आज भी आपको पता चल जाएंगे मेरे ही कमरे में। कभी भी मतलब ये जो आप करते हो इसका एक रुपया भी अपने घर तक, जब तक मैं जिंदा रहूंगा तब तक मैं किसके एक रुपया खाऊंगा। हाँ मैं पैसा उड़ा देता हूँ मतलब गौदान में देता हूँ। आज मेरे यहाँ 15,000 आदमी है तो दाल बाटी चूरमा खिला दूंगा, पैसा नहीं आया तो दाल चावल भी खिलाऊंगा, लेकिन पैसा अभी यहाँ के तो ये तो मारवाड़ की तरह है, अमीरों की तरह, और यहाँ के जो दानेश्वरी लोग बहुत दानेश्वरी, मारवाड़ जितना भारत में दान कोई नहीं दे देता है, मेरे को यहाँ आता है मेरा खुद का यहाँ लाखों में दान आता है, तो मैं भी लाखों में खर्चा करके दाल बाटी चूरमा खिलाता हूँ। अच्छा भाभी मैं आपका हाल ही में यहाँ पर हजारों लोग देखिए कई जैसे मैं यहाँ पहुँचा हूँ, मैं बहुत डिफरेंटली आपको बताता हूँ, मैं किसी मुझे किसी ने कहा कि आप आइए आपके आने की वजह से ठीक होंगे या बाबी का आशीर्वाद ज़्यादा मिलेगा, ऐसे जो लोग जो अपने आप में वो मानते हैं उनके लिए क्या कहना, मतलब मैं तो सिफारशी ये मेरे यहाँ सिफारिश जोड़े का काम ही नहीं होगा, तो सिफारिश लेके आ तेरा काम होगा ही, तो क्या तेरा दादा आ जाए तेरा परदादा आ जाए सिफारिश लेके आ, उसको कोई किसी का काम नहीं, तो माँ का दरबार तो बड़ा तेरा घर का लाइन में आते बैठ गया, माँ से बड़ा कोई बड़ा नहीं, बोले जगत जननी लाइन में आके बैठ जाए वही अच्छा होगा, सिफारिश वाला एक भी अच्छा होगा नहीं होगा भी नहीं। अरे मतलब ये तय है कि अगर इंसान मनोकामना सिद्धि से और अपने मन से नहीं आ रहा है तो उसका काम पूर्ण नहीं हो पाएगा। मन से आए कि ना आए, मन से आए या ना आए उससे मतलब नहीं है मेरा, मन से आए या ना आए उससे मतलब नहीं, आगे वो लाइन में बैठना चाहिए, मेरे यहाँ विश्वास की जरूरत नहीं है,
आस्था की जरूरत नहीं है यहाँ। मेरे यहाँ आने वाला आदमी वही आस्था होगी तो आया होगा, लेकिन मेरे यहाँ आया मैं एक सामान्य बाबा, मेरे यहाँ कौन आएगा? उसको विश्वास होगा कि मैं वहाँ जाऊँगा ठीक होगा, वही आएगा। और जिसको विश्वास है मैं वहाँ जाऊँगा ठीक होगा, उसको मेरी माँ ठीक करेगी। और आके सिफारिश करके मैं यहाँ का बड़ा पत्रकार हूँ चारण, तो तेरे जैसे चारण या 150 लाइन में बैठा है वो नहीं ठीक होगा, वो ठीक नहीं होगा, वो नहीं ठीक होगा, मैं खुद बोलता हूँ। पर हाँ आया लाइन में बैठ गया, पता की जरूरत नहीं है, वो ठीक होके चला जाए। तो इनका बाप जी का साफ तौर से कहना है कि शक्तियां जो है वह शक्तियां इस लोहड़ी में है जिसको कंबल नाम दे दिया गया, क्योंकि कंबल वाले बाबा जी के नाम से आज की तारीख में पूरी देश के अंदर प्रसिद्ध है। और मैंने यहाँ पर ऐसे कई लोगों को देखा है जो भारत के बहुत दूर के राज्यों से, बिहार कहें या उत्तराचल कहें या वहां से यहाँ लोग आए हुए हैं। तो ऐसे में कह सकते हैं कि पूरे देश के अंदर आज की तारीख में कंबल वाले बाबा जी के नाम से ये प्रसिद्ध है। और जो ताकत है वो इस कंबल में है। आप सलाह के साथ में यहाँ आएंगे अपनी मनोकामना यहाँ पर, इस कंबल की मेहरबानी से, इस कंबल के आशीर्वाद से, आपकी मैं कहूँ लोहड़ी के आशीर्वाद से, क्योंकि ये सारी शक्तियां जो है वह आई माता की है और उसी आई माता के आशीर्वाद से बाप जी उनको ठीक करके भेजते हैं। और ये हमने हमारी आंखों से भी देखा है, इसलिए जितने भी दर्शक है उनसे हम हाथ जोड़ के ये निवेदन करते हैं कि यहाँ पर आकर के अपना समस्या है वो बताइएगा और बहुत निश्चय रहिएगा। ऐसे मन में सोच करके कभी बताइए कि मैं आज गया हूँ, मैं आज ही ठीक होकर के आज ही लौट जाऊंगा। ये कृपा जो दृष्टि होती है, वो जो शक्ति होती है, वो क्षणिक भर के लिए आती है। जब आती है उसके अंदर जो भी व्यक्ति आएगा, जो भी पीड़ित आएगा, उसको उसका आशीर्वाद मिल जाएगा। बाकी वाला हो सकता है जब जब उसको आशीर्वाद उस समय का क्षण की मिलेगी उस समय उसको वो ठीक हो जाएगा। तो ऐसे में हमारी भी आप लोगों से राय है, हालांकि क्या सच्चाइयां है, क्योंकि कुछ चीजें ऐसी है जिसको देखने के बाद में आदमी विश्वास कर सकता है आंखों के ऊपर। ऐसे हमने आज केस देखे हमारे आंखों के सामने कि जिसने अपने बचपन से जब कभी नहीं उठ पाया था वह व्यक्ति आज उठ करके, वह बच्चा आज उठ करके रवाना हुआ। तो ऐसे में लकवाग्रस्त जो भी लोग है उनके लिए तो अपने आप में वरदान साबित है ही। इसके साथ ही कई ऐसे शुगर पेशेंट यहाँ पर आए जिन्होंने ये कहा कि हमारे इंसुलिन लग रहे थे वो इंसुलिन बंद हो गए। कई ऐसे साथी भी थे जिनको बीपी की लगातार शिकायत थी, ऐसे जो साथी थे उन्होंने ये भी कहा कि हमारी बीपी की जो टेबलेट है वो बंद हो गई है। तो ऐसे में हम लोग इस बात के ऊपर आपको दावा नहीं कर रहे हैं, लेकिन यह जरूर विश्वास की बात है कि जिन जिन लोगों की ये समस्या ठीक हुई है उनको विश्वास रख के यहाँ आना चाहिए। लेकिन इसके साथ साथ हम ये भी कहते हैं कि आप अगर कोई दवाई ले रहे हैं तो जब तक कि आपको पूर्ण विश्वास नहीं हो तब तक आप उस दवाई से नहीं छोड़े और यहां पर भी अपना विश्वास बनाए रखें। नमस्कार।